सिंगरौली में केंद्र सरकार के किसान कानून लागू किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार बंद कराते नजर आए, हालांकि यहां बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ नवा नगर कार्यालय से ट्रैक्टर से निकले, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने के लिए कहा। हालांकि पुलिस ने शहर के चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी थी, शहर के बाहर से कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर नहीं आ पाए। फिर भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, कांग्रेस पदाधिकारी मुनकू श्रीवास्तव सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टर में बैठकर बाजार बंद कराते नजर आए। हालांकि यहां भारत बंद का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लगाए और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। काला कानून के विरोध में आज भारत बंद के समर्थन में समूचा जिला कांग्रेस, पूरी समूची सिंगरौली जिला के लोग, व्यापारी, किसान आज आंदोलित है, सड़कों पे है और प्रशासन इसे दबाने को रोक रहा है, लेकिन हम इसे दबाने नहीं देंगे और हम किसानों के हक की लड़ाई को लेकर रहेंगे और लड़ेंगे। चल रही हमारी आप नवा नगर खुला बाजार बंद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।